तुमने उन्हें ये तो बता दिया कि वहाँ क्या हुआ था, मगर ये नहीं बताया कि वो आदमी अग्निदेश का था। नहीं, इसने ये बात हमें बिल्कुल नहीं बताई। भले ही वो अग्निदेश का था, मगर था तो वो बेकसूर बूढ़ा आदमी। वो एक हमलावर था सौ का। ये देखा, इस चाकू में जहर रखने की जगह है। मुझे मारने के लिए उसे भेजा गया था। तुमने मेरी जिंदगी बचाई है सौका। मुझे पता था कोई बात जरूर होगी। मुझे तो कोई चाकू नहीं दिखा था। वो इसलिए क्योंकि वो चाकू छिपा रहा था। देखा सौका, तुमने बस चाकू पर ध्यान नहीं दिया। उसके पास कोई चाकू नहीं था। मैं चला सामान बांधने, हमें निकलना होगा। तुम सचमुच चले जाओगे? मुझे तुम सबकी मदद चाहिए। किस तरह की मदद? अग्निदेश के लोग जंगल को जला देना चाहते हैं। अगर तुम लोग अपनी वाटर बेंडिंग से उस तालाब को भर दो तो हम आग का मुकाबला कर सकते हैं। अगर तुम अभी चले जाओगे तो वो लोग पूरी घाटी को जला के राख कर देंगे। हम इस वक्त यहाँ से नहीं जा सकते सौका, हमें जेट की मदद करनी चाहिए। देखो कटारा, जेट धोखेबाज है, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। अब मैं समझ गई, वो तुमसे ज्यादा बहादुर और अच्छा योद्धा है, इसलिए तुम उसे जलते हो। कटारा, मैं जेट से बिल्कुल नहीं जलता। मुझे जो महसूस हुआ तुम्हें बताया। मगर मुझे ये महसूस हो रहा है कि हमें यहाँ रहकर जेट की मदद करनी चाहिए। चलो आएं। माफ करना सौका। वो कर क्या रहे हैं? ये लाल टंकियां तो उसे अग्निदेश से मिली है। पर उन्हें इन सब की क्या जरूरत है? क्योंकि जेट बांध को उड़ाने वाला है। क्या? पर ऐसा करने पर शहर तबाह हो जाएगा। जेट ऐसा नहीं कर सकता। मुझे उसे रोकना होगा। जेट ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, मैं कर सकता हूँ। जेट, आखिर क्यों? कटारा, अगर तुम ठीक से सोचो तो तुम भी ऐसा ही करोगी। जरा सोचो, अग्निदेश वालों ने तुमको अपनी माँ से जुदा कर दिया। हम नहीं चाहते कि वो तबाही का सिलसिला जारी रखें। मगर ये तो इसका इलाज नहीं है जेट। आखिर तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं कटारा? मुझे लगा था तुम्हारा भाई समझ जाएगा, मगर वो कहाँ है सौका? कटारा, मैं जा रहा हूँ बांध को बचाने। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हारी छड़ी मेरे पास है। मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता जेट। अगर छड़ी चाहिए तो लड़ाई करनी ही होगी।